गुज़िश्ता मालूमात में हमारा टॉपिक है सुबह सवेरे की सैर, इसकी हमने पढ़ाई और बुक पर किया था। आज का हमारा मेहमान है सुबह सवेरे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, नूर के तड़के से क्या मुराद है? इसका आंसर है, नूर के तड़के से मुराद सुबह सवेरे का वक्त है, यानी सुबह का वक्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लड़के किस लिए घर से निकले? इसका आंसर है, लड़के सैर के लिए घर से निकले। क्वेश्चन नंबर 3 है, शायर ने ओस के कतरों को क्या कहा है? जवाब है इसका, शायर ने ओस के कतरों को मोती कहा है, ठीक है, यानी शबनम, जिससे शबनम के कतरे होते हैं ना, उसको मोती कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लड़कों ने बाग में जाकर क्या देखा? इसका आंसर है, लड़कों ने बाग में जाकर फुलवारी देखी, यानी कि फूलों की जो क्यारी होती है उसे फुलवारी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस नज़म का हर बंद 3 मिसरों का है, बताएं नज़म के कुल कितने बंद हैं? मिसरे लाइन्स को कहते हैं, ठीक है, जो 3 लाइनों वाला बंद होता है, 3 लाइनों वाला मिसरा होता है उसे बंद कहते हैं। इसका जवाब है, इस नज़म में कुल 7 बंद हैं, ठीक है। अल्फाज जुमले देखें, पहला है अंबर, अंबर आसमान को कहते हैं, इसका जुमला है, आज अंबर पर काले बादल छाए हैं। सेकेंड है पत्ते, खजार के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं, झड़ जाने का मतलब है यानी गिर जाते हैं, ठीक है। तीसरा नाजुक है, नाजुक कमज़ोर या कमज़ोर को कहते हैं, इसका जुमला देखें, गुलाब का फूल बहुत नाजुक होता है। 4 है हल, किसान खेतों में हल चलाते हैं। 5th है सब्जा, यानी कि हरियाली कहते हैं इसे, गांव में हर तरफ सब्जा फैला होता है। ये क्वेश्चन आंसर तो अल्फाज जुमले आप लोगों ने अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करने और इन्हें अच्छी तरह याद करना। 5 क्लास, थैंक यू।